भाइयों, आप अपने पेट के लेकर आपका पेट दिन ब दिन आपका फूल रहा है। इस ब्रदर का नाम राजविंदर सिंह है और जेबटाला रोड वरियाम गांव के रहने वाले हैं और इस ब्रदर की बहुत बड़ी गवाही है और जब बता रहे कि 12 साल हो चुके हैं कि जब भी ये खाना खाते थे तो इनका पेट फूल जाता था जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी ली जब बता रहे कि फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और जब बताते जब भी ये खाना खाते थे उससे थोड़ी देर बाद इनको इनोल लेना पड़ता था। जब बता रहे कि कभी कभी तो इनको दिन में दो दो पैकेट भी इनों को पीने पड़ते थे और फिर जाकर ये प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी होती थी जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। और इस ब्रदर ने बताया कि ये बता रहे कि 25 दिसंबर की मीटिंग में जब ये ब्रदर आए थे उस समय भी इनके लिए प्रार्थना हुई थी प्रभु के दास के द्वारा, तो उस समय परमेश्वर ने इनकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से अच्छा कर दिया था, पर इस ब्रदर ने परमेश्वर की प्रेज परमेश्वर की महिमा नहीं की। तो इन्होंने बताया कि फिर 15 दिन बाद ये प्रॉब्लम फिर से इनके जीवन में आ गई और अभी तक ये प्रॉब्लम ऐसे थी और ये बता रहे कि ये बहुत परेशान थे। और इन्होंने बताया कि जैसे ईस्टर की मीटिंग थी और उससे पहले इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ और इन्होंने फॉर्म के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को लिखवाया और विश्वास के साथ इन्होंने बोला कि विश्वास के साथ इन्होंने ले एंड करवाई। और जैसे ये ब्रदर ने बताया कि ये ईस्टर की मीटिंग में आए थे और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ले हैंड से पहले ही परमेश्वर ने अपने दास के मुख से प्रोफेसी वर्ड बोला, क्योंकि कोई ब्रदर है जिसका पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है और वो बहुत सारे ऐसे उपराले कर रहा है। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। भाइयों, आप अपने पेट के लेकर आपका पेट दिन ब दिन आपका फूल रहा है जिसके कारण आपके मन में कई बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। हाँ भाइयों, आपका पेट फूल रहा है जिसके कारण आपके मन में कई तरह के बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं। आप इसके लिए बहुत सारे कुछ उपराले किए, आपने बहुत कुछ किया मगर हो नहीं रहा। ये एक दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा ये बीमारी नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। आप जो कोई भी अगर रिसीव कर रहे हो, मैंने कहा आप जो कोई भी अगर आप रिसीव कर रहे हो तो ये खुदा की हजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी। मैंने कहा और इन्होंने बताया कि जैसे इस वर्ड को इनके मिसेज ने रिसीव किया, धन्यवाद किया कि जे जो परमेश्वर आपके दास के मुख से जो वर्ड आया है जे मेरे हस्बैंड के लिए, और उस दिन उन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया और उस दिन इनके लिए ले एंड प्रार्थना भी हुई। अभी हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। परमेश्वर की ग्रेस ने इनको शुवार एक हफ्ते में ही परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको अच्छा कर दिया, पर इन्होंने अपनी गवाही नहीं दी। इन्होंने पूरी तरह चेक किया जे अपना जब भी खाना खाते थे, जब बता रही कि उसके बाद इनको इनों की भी जरूरत नहीं थी पड़ती और जब बताते पहले जब ये खाना खाते थे 12 साल से कभी भी जब बता रही कि इनको डकार नहीं आता था, पर अभी जब भी ये खाना खाते थे इनको डकार आता है कि इनका खाना जो इनको हजम हो गया, पच गया है। और ये बहुत खुश है कि परमेश्वर ने जो 12 साल की जो प्रॉब्लम थी उससे इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। और सुनो 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 एक चीज सुनो, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, क्योंकि पेट का जो सिस्टम है हमारा पेट का, अगर खाना डाइजेस्ट ना हो तो बड़ी बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। बोलो क्या है, करता है कि नहीं करता? देखो 12 साल से क्या थे, 12 साल से ये प्रॉब्लम थी, जब भी ये खाना खाते पेट फूल जाते और 12 साल से ये लगातार मेडिसिन और हर डे पर डे मतलब इनो लेते थे। जब भी खाना खाते तो उन्हें कुछ ऐसे
तकलीफ, जैसे मतलब सांस लेने में कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती, तो ये फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, फूला फूला सांस कुछ ऐसे लेने में मुश्किल आ रही है, तो ये इनो लेते, कभी कभी एक कभी फिर दो दो इनो। 12 साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी, 12 साल से, जिसके लिए इन्होंने पहले बहुत सारी मेडिसिन भी खाई और अलग अलग डॉक्टरों के पास भी गए, पर जैसे ही ये पहले भी 25 दिसंबर ना, हाँ 25 दिसंबर की मीटिंग में आई है ना, क्रिसमस की मीटिंग में आई, और उस समय भी इन्होंने क्या करवाई थी, ले हैंड करवाई थी क्रिसमस की मीटिंग में 25 दिसंबर नहीं, उनको बोलो जो सामने है। जी, इन्होंने इनकी फैमिली ने रिसीव किया जो प्रार्थना के वर्ड्स आ रहे थे। अच्छा अच्छा, इनकी फैमिली ने रिसीव किया था, 25 को आए नहीं थे। हाँ, तो देखो उनकी फैमिली के विश्वास करने से ये प्रॉब्लम चलेगी। फिर ये एक हफ्ता पूरा अच्छा रही, पर इन्होंने आकर यहाँ पे गवाही नहीं दी। क्या नहीं दी? गवाही नहीं दी, परमेश्वर की प्रेस नहीं की, और वो प्रॉब्लम एक हफ्ते के बाद फिर आ गई। क्या आ गई? 15 दिन बाद, ठीक है, सॉरी, 15 दिन के बाद वो प्रॉब्लम फिर आ गई, और आज ये प्रॉब्लम फिर चल रही थी, और ये ईस्टर की मीटिंग में आई, जिस दिन उसी, ये दोनों क्लिप एक ही मीटिंग की, ये दोनों क्लिप एक ही मीटिंग में। पहले परमेश्वर ने के लिए प्रोफेसी वर्ड दिया मेरे मुंह से कि कोई भाई है, उसका पेट फूला हुआ है, और उसने उस चीज के लिए बहुत सारे उपराले किए, बहुत कुछ किया है, मगर वो उसे छुटकारा नहीं मिलना, और उसी दिन फिर ले हैंड इन्होंने फॉर्म फिल करवाया था, और आज देखो कितने दिन हो गए, बोलो गए, आज कितने दिन हो गए ईस्टर की मीटिंग को निकले हुए, और आज कितने दिन हो गए, बोलो क्या हो गए, कितने दिन हो गए, अप्रैल कितनी तारीख को थी, हाँ 17 को थी है ना, बोलो क्या थी, अप्रैल 17 को थी ना ईस्टर की मीटिंग, 14-15 दिन हो गए। अभी भाई साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ नहीं पापा जी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब खुश हो? हाँ जी। अब खाते पीते हो? हाँ जी। मौज मस्ती से? हाँ जी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं पापा। देखो 12 साल की प्रॉब्लम से, क्योंकि ये जो खाने की ये प्रॉब्लम है, खाते थे 12 साल से, देखो मैं अलग अलग प्रकार की मेडिसिन खाई, और खाना खाने के बाद 12 साल से इनो ले रहे, बोलो क्या है? जब कोई मेडिसिन कोई काम ना करे, कुछ ना करे, तो फिर कौन करता है, ऐसे काम कौन करता है? इसलिए उस डॉक्टर जीसस के लिए, मैंने कहा उस डॉक्टर जीसस के लिए, यीशु जी का नाम जब बंदे जोर से तारीफ करो, जोर से बोलते पाइए, यीशु जी का नाम जब बंदे आ जिन्हें मौत उत्ते पाइए, ओदे तो बगैर नहीं हो दिखती देंदा जेड़ा रोका तो रिहाइए, ओदे तो बगैर नहीं हो मुकती देंदा जेड़ा रोका तो रिहाइए, हाँ यीशु जी दा नाम जप। अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है, और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।